मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। मॉनसून की मेहरबानी के बीच चक्रवात बिपरजॉय का बड़ा खतरा, इन राज्यों में तेज तूफान आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम के मोर्चे पर देशवासियों के लिए अच्छी खबर है, मॉनसून जहां तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं अरब सागर में उठा चक्रवात बिपरजॉय मजबूत होते जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पर है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय आज प्रचंड रूप ले लिया है, इसके मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ के 6 जिलों में अलर्ट रखा गया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली NCR समेत के इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के आसार है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। यूपी के इलाकों में बारिश का अलर्ट। यूपी मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हापुड़, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाजापुर, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शामली, बिजनौर, फरुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज जिले हैं। सहारनपुर, शामली से लेकर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़ से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बिजनौर के इलाके में प्रति घंटे 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान या फिर धूल भरी आंधी और बारिश के आसार है। अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज में भी रहने की संभावना है। एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा जिले में ऐसे ही मौसम की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता से बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा में हवा चलने की संभावना है। फरुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली में गरज के साथ बिजली कड़क सकती है। MP मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्तमान में अरब सागर में बना बिपरजॉय चक्रवाती तूफान पूर्व में बढ़ते गुजरात व महाराष्ट्र की ओर जाएगा। इसके असर से दक्षिणी मध्य प्रदेश में हवाओं की गति से तेज रहेगी। इसके असर से सतना, सीधी, रीवा, सिंगरौली, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, धार, देवास, छिंदवाड़ा में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर में 12 और 13 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश का दौर भी जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 6 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और मेघ गर्जन के साथ कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू तथा पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में बारिश होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बारिश का असर आगामी 24 जून तक जारी रहने की संभावना है। बिहार में 13 और 14 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है, हालांकि उससे पहले कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई। वहीं प्रदेश के कई जिलों में अभी भी गर्मी और उमस जारी है। कई वजह से पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आधे दर्जन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। किशनगंज जिले में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ भारी वर्षा हो सकती है। पटना व इसके आसपास के इलाकों में दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। पूर्णिया व किशनगंज जिले में तेज रफ्तार से हवा का प्रभाव के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की वर्षा को लेकर तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।